ये किरावली है और सर ने ऑफर किया चलो कुछ खाते हैं, हालांकि मैं मना करता हूँ, लेकिन सर बोले नहीं आप हमारे अतिथि हैं तो बनता है। चलिए थैंक यू सर, बट स्पेशली मेरे को खिलाइए मत सर, आप अगर कुछ खा रहा हो तब ठीक है। हाँ तो ये है उत्तर प्रदेश आगरा, यहाँ पे मेहमान नवाजी में मतलब काफ़ी आगे अभी तक का एक्सपीरियंस है, काफ़ी शानदार है, बहुत ही गजब है। चलो एक बघेल फिट साइज का आया हूँ तो सर देखते हैं, सर बोले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं पहुँच गया था कल आगरा और ये हमारा हॉस्टल है, यहाँ रुका। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ फतेहपुर सीकरी, तो आज की जर्नी स्टार्ट हुई फतेहपुर सीकरी से। मैं पहले चल जाता हूँ फतेहपुर सीकरी, देख लेता हूँ, फिर वापस आगरा ही आना। तो आज की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे ना मुझे देने पड़े थे 300 रुपीज़। ये है बेडवाइजर बैकपैकर्स हॉस्टल, बिल्कुल एक प्राइम लोकेशन पे और चीप एकोमोडेशन, काफ़ी शानदार बढ़िया है, बिल्कुल हॉस्टल्स कम होटल है ये। यहाँ रूम भी मिल जाएगा और बेड भी मिल जाएगा दोनों चीज़। यहाँ से अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ फतेहपुर सीकरी के लिए। तो आपको दिखाता हूँ फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, जो कि महाराजा अकबर ने बनवाया था आज से 500 वर्ष पहले। ओके सर, अच्छा लगा मिलकर सर। आप योर गुड नेम? दुष्यंत प्रताप। सर हमारे साथ हमारे रूम में ही रुके हैं, मतलब हम लोग एक ही बैकपैकर्स रूम में थे सर के साथ। अपने हॉस्टल से निकल रहा हूँ मैं और यहाँ से मुझे फतेहपुर सीकरी के लिए मांगना है लिफ्ट। मुझे यहाँ से ना फतेहपुर सीकरी जाना है, अभी मैं यहाँ से लूँगा। ये उसकी सवारी काफ़ी शानदार। हॉस्टल से ना मेन रोड आ गया हूँ, यहाँ से लिफ्ट मांगता हूँ मुझे फतेहपुर सीकरी के लिए। यहाँ से 40 किलोमीटर है। थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए। योर गुड नेम सर? प्रवीण ठाकुर सर जी। और ये आगरा है, सिटी है, सिटी में थोड़ा लिफ्ट मिलने में परेशानी तो होती है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने यहाँ तक लिफ्ट दिया। कोई भी लिफ्ट दे देगा आपको और आराम से सीखो भी बोल देना कि मुझे फतेहपुर सीकरी जाना है। मैं मांगता हूँ यहाँ से आगे करौली रोड फतेहपुर सीकरी के लिए। सर ने रोका है, थैंक यू सर। आप फतेहपुर सीकरी तरफ जा रहे हैं सर? ये दूसरी लिफ्ट मिली। सर योर गुड नेम सर? रोहित है मेरा। रोहित सर भगवान का कि फिर वहाँ से फिर सीधी है, सीधी है ना। ओके थैंक यू सर। ये है आगरा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का मिजाज ना काफ़ी अच्छा है। अभी तक कल भी लिफ्ट मिली थी और आज भी लिफ्ट मिली, लोग बहुत अच्छे हैं। लिफ्ट फतेहपुर सीकरी जाना है सर? हाँ तो रुक जाऊंगा लास्ट में। अच्छा आप लोकेट कर देता है। थैंक यू सर। योर गुड नेम सर? गगन। गगन सर, गगन की तरह महान भी है। थैंक यू सर। ओके गगन सर, ये है एक रेलवे क्रॉसिंग और इसे पार करके ना उस तरफ से मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। मेरी सोच से अलग है बिल्कुल, मैंने सोचा था यूपी मतलब जो सुना है, बट डरो, डर तो ज़रूरी है बट लोग अच्छे हैं। यहाँ से ट्राई करता हूँ कि लिफ्ट मिल जाए यार। आगे जा रहा सर फतेहपुर सीकरी। ओके तो ये लिफ्ट मिल गई है, थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए। ये उत्तर प्रदेश है और हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। सर के साथ जर्नी यहाँ तक रही है, थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश की भाई बात ही कुछ और है, वो भी आगरा, ये तो निराला जगह है यार। यहाँ ना लोग बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, लोगों से लिफ्ट मांगो ना लिफ्ट सर, लोग ना मदद करते हैं। ये लिफ्ट मिल गई यहाँ से, थोड़ा दूर लग रहा है। थैंक यू आगरा, काफ़ी अच्छा लगा सर आपका आगरा का। योर गुड नेम सर? बंटी। बहुत अच्छा लगा सर। तो ये किरावली है और सर ने ऑफर किया चलो कुछ खाते हैं, हालांकि मैं मना करता हूं, लेकिन सर बोले नहीं आप हमारे अतिथि हैं तो बनता है।
चलिए थैंक यू सर, बट स्पेशली मेरे को खिलाइए मत सर, आप अगर कुछ खा रहा हो तब ठीक है। हाँ तो ये है उत्तर प्रदेश आगरा, यहाँ पे मेहमानबाजी में मतलब काफ़ी आते हैं, ये अभी तक का एक्सपीरियंस है, काफ़ी शानदार बहुत ही गजब है। चलो एक बघेल फिट साइज का आया है सर, देखते हैं सर बोले कुछ खा लेते हैं, यहाँ पे सर बोले कुछ खा लीजिए। चलो आगरा, ये है घेवर, काफ़ी प्रसिद्ध है, वो भी आगरे का काफ़ी शानदार होता है, मैंने कभी खाया नहीं। सर मुझे इस होटल में ले आया, बोले कुछ खा ले, थैंक यू सर पूछने के लिए। ये है आगरे का मिजाज, ये लस्सी है, लस्सी है ना, आगरा की लस्सी, ओके आगरा की लस्सी है, काफ़ी प्रसिद्ध होती है, काफ़ी कुछ है। और एक कुल्लड़ में मिला है, ये कुल्लड़ में, कुल्लड़ का बहुत दिन हो गया सर, कुल्लड़ में कभी मतलब लस्सी पीने को नहीं मिला, फर्स्ट टाइम ना कुल्लड़ में लस्सी मिल रहा है। तो कुल्लड़ लस्सी का स्वाद ही कुछ, आपको तो हमेशा खाते हैं तो खाता, पर ऐसा मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ना ये स्वाद कुल्लड़ का है, और आगरे की लस्सी का सुना था पर मौका नहीं मिला, आज सर की वजह से मौका मिल गया है ना, तो वाकई में बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। और ये है घेवर, ये है घेवर, घेवर घेवर बोलते हैं सर, घेवर 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 कहाँ से बनता है, मैदा, ओके ये मैदे का, मैदे से बनता है, देसी घी में, तो मैदे को देसी घी में छान के बनाते हैं सर, इसके भी लगे, पहली बार घेवर का टेस्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सर, मैं इसको पहले सुना ही था, हाँ सिर्फ घेवर मिठाई यहाँ का बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, लेकिन कभी मौका मिला नहीं। तो ये है घेवर का स्वाद, घेवर और लस्सी काफ़ी टेस्ट, नहीं हो गया बहुत धन्य। तो अभी इतना ही काफ़ी था, ये पूरा फुल आपका लस्सी कुल्लड़ वाली, उसके साथ एक घेवर था, उसके साथ कर ये रसमलाई काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना तो मैं खाता भी नहीं हूँ, तो सर बोले अरे खा लो खा लो, क्योंकि बहुत लंबा है आपका रास्ता, थैंक यू सर, ये बहुत हैवी हो गया सर। आगरे का जो है ना हॉस्पिटलिटी बता नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा हो गया, इतना हो गया कि मैं खा नहीं पाया। वैसे हमारा डेस्टिनेशन फतेहपुर सिकरी, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर की जर्नी और रह गई है, और सर ने तो आज ऐसा कर दिया कि बस पता नहीं सकता, पूरा फुल हो गया मैं, और स्वीट्स के साथ मतलब इतना हैवी स्वीट्स खाना खाया हूँ, लस्सी के साथ जो है घेवर जो कि यहाँ का प्रसिद्ध है, और उसके साथ इतनी बड़ी रसमलाई कि फर्स्ट टाइम तो उतना बड़ा रसमलाई देखा था, और काफ़ी बड़ा था सर, वो काफ़ी हैवी, मैं खा भी नहीं पाया है ना, इतना बड़ा था। तो ये सर के सो जाने से था सर, मेरे लिए मेरे पास अब वैसे कुछ साफ बचा नहीं है जो मैं बोलूँ। ये है इंडिया और आगरा, यहाँ की बात निराली है, मज़ा आ गया। वो टोल प्लाजा दिख रहा है आपको, रेड का, हाँ सर, उसके ऊपर और नीचे से देखो वो पहाड़ी टाइप की दिख रही है, उसी टोल पर नीचे, जी 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 दिख रहा है कुछ धुंधला टाइप, हाँ हाँ सर, है ना, तो वही आपका फतेहपुर सीकरी है, यानी काफ़ी पास आ गया सर, पास आ गया। तो बंटी सर के साथ ना काफ़ी शानदार सफ़र, और यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर से भी कम बता रहे, सामने दिख ही रहा है, तो वहाँ पहुँच गया सर, थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए सर, धन्यवाद। लेकिन आपका सर दिल बहुत बड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आपने ना इतना सारा चीज़, ये प्यार है सर उत्तर प्रदेश का, थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए, फिर ट्राई करता हूँ सर, ओके सर बाय सर। उन्होंने लगभग ना 22 किलोमीटर का लिफ्ट भी दिया, और साथ में ना मैं कभी खाया नहीं था घेवर, वो खिलाया, लस्सी पिलाया, साथ में एक बड़ी सी जो है रस मलाई, वो शानदार यार, इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी ना बहुत कम देखने को मिलती है, और उत्तर प्रदेश में हूँ तो
मज़ा आ गया यार। बदला सा यू उत्तर प्रदेश, बिल्कुल निराला सा, गजब। लिफ्ट दे दो, यहाँ से ट्राई करता हूँ आगे फतेहपुर सिकरी के लिए। सर लिफ्ट दे दो। हाँ ओके, फतेहपुर सिकरी जा रहे हैं सर। ओके तो ये लिफ्ट मिल गई, थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए। ये है फतेहपुर सिकरी का फर्स्ट गेट, आगरा दरवाजा है ये, आगरा दरवाजा आ गया। ये तुरंत दरवाजा है जो सामने दिख रहा है, बादशाह के द्वारा वहाँ बसाया गया था शहर राजधानी। पानी नहीं होने की वजह से ना सर इसलिए शहर ईरान में। सामने है बुलंद दरवाजा। थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए। गुड नेम सर? वीरेन त्यागी। वीरेन त्यागी, थैंक यू सर लिफ्ट दिया उसके लिए। अरे बिल्कुल, सर को जाना कहीं और था बट मुझे ना इस स्मारक तक लाके छोड़ा, बहुत ही शानदार। और गेट ना ये बहुत बड़ा, तो चलो चलते हैं किले के अंदर।